एडीजी ने पढ़ाया पुलिस को चेकिंग का पाठ। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एडीजी बरेली जोन प्रेम प्रकाश के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस अभियान की सच्चाई जानने के लिए खुद एडीजी शहर में गश्त पर निकले और उन्होंने बरादरी और कोतवाली थाना क्षेत्र में गश्त कर अभियान की हकीकत जानी। एडीजी ने बरादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर चौराहे पर चेकिंग कर रहे पुलिस वालों की ही चेकिंग कर डाली। एडीजी को अचानक सड़क के बीचों बीच देख पुलिसकर्मी हैरान रह गए। एडीजी के आदेश पर जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था उसे व्यवस्थित न देख एडीजी कुछ नाराज भी हुए। पुलिसकर्मी चेकिंग के नाम पर सिर्फ चालान काट रहे थे। एडीजी का कहना था कि यह चेकिंग अभियान आम जनता को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए था। पुलिस को चाहिए कि इस तरीके से अभियान चलाया जाए जिससे आम आदमी को सुरक्षा की भावना पैदा हो और अपराधियों को पुलिस के देखते ही भय व्याप्त हो। इन्हें बताया कि पार्टी लगभग 3 पार्टी बनाए जिसमें जो कहां प्रकाश वाला ऐसा स्थान हो जहां से एक्सीडेंट ना हो और स्टॉप ग्रुप इस प्रकार से लगाए जाए ताकि यदि कोई बदमाश भागने की कोशिश करता है तो उसको रोका जा सके और अनावश्यक जो परिवार के किसी के साथ जा रहा है व्यक्ति या हेलमेट के बिना है छोटी चीज़ों पर इस पर ध्यान ना दें। जब अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग करनी है तो केवल उसका फोकस अपराधियों को ध्यान में रखे हो। एडीजी ने एसपी सिटी और इंस्पेक्टर बारादरी को चेकिंग करने के नए टिप्स भी दिए। एडीजी ने एक ही पॉइंट पर 3 टीमें विभाजित कर चेकिंग करने के टिप्स दिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक जगह पर 3 अलग अलग पुलिसकर्मी खड़े होंगे जिससे बीच वाले पुलिसकर्मी होंगे वह संदिग्ध व्यक्ति को रोकेंगे और रुकने पर अगली टीम उस व्यक्ति को दबोच डालेगी। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश भर में पुलिस को पैदल गश्त और चेकिंग के आदेश दिए गए हैं। आज उसी को चेक करने के लिए वे यहां आए थे। समय समय पर औचक निरीक्षण कर पुलिस की मुस्तैदी देखी जा रही है।